अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? जी, खेल लिया आप लोगों ने? सारा खेल लिया था? खेलने से पहले क्या किया था? पढ़ लिया था, सारा काम पढ़ा था। और वो जो नज़म मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, वो याद की थी? अच्छे से याद की थी? थोड़ी याद हो गई या ज़्यादा याद हो गई? थोड़ी थोड़ी सी याद हो गई। प्रैक्टिस की थी? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, तो साथ साथ उसकी नज़म भी पढ़ते रहा करें। हाँ, जब पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जब आप कोई गेम खेल रहे हों, तो गेम खेलते खेलते आप क्या करेंगे, आप वो नज़म पढ़ते जाएं, तो आप नज़म पढ़ते रहेंगे तो आपको नज़म याद हो जाएगी, है ना भाई? अच्छा जी, अब ये बताइए, कल आपने काम कंप्लीट कर लिया था? रंग भर लिए थे? रंग में, तस्वीर में जो रंग भरे थे, बाहर तो नहीं निकाले थे, सब अंदर अंदर किए थे, है ना भाई? ख़राब तो नहीं लग रहा था, अच्छे अच्छे लग रहे थे। चले जी, ये तो अच्छी बात है। आज क्या करें हम लोग? आज भी काम करते हैं। हाँ, आज ऐसा करते हैं कि को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमें सही से लिखना नहीं आया था ना, हमने थोड़ा सा लिखा था। अब आज हम ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, करेंगे प्रैक्टिस। चले ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी बुक का सफ़ा नंबर निकालेंगे, 39। यहाँ पे निकालेंगे हम 39 सफ़ा निकालेंगे, और सफ़ा पे हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से आइकन्स मौजूद हैं और कितने आइकन्स मौजूद हैं। ठीक है जी, हमारे पास मौजूद है 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन क्या है? पहला आइकन पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं और एक उंगली रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब तो आपको पता चल गया है जी, इसका मतलब होता है पढ़िए पढ़िए, यानी कि हम पहले पढ़ेंगे इस पे जी। और दूसरा आइकन पे क्या है? ब की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है जी? पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए। और फिर कौन मौजूद है जी? हमारी मानो बिल्ली मौजूद है, हमारी दोस्त मौजूद है मानो बिल्ली। और मानो बिल्ली हमसे क्या कह रही है? से कह रही है रंग भरिए जी, अच्छे अच्छे रंग भरिए जी, रंग भरिए। तो मानो बिल्ली कहती है रंग भरे, पहले हमने पढ़ना है, उसके बाद पेंसिल भरना है, उसके बाद रंग भरना है। और फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे तारीख लिखेंगे जी। तारीख लिखेंगे, खुद से लिखेंगे या फिर मम्मा पापा से लिखवा देंगे, या फिर किसी भी बड़े से लिखवा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है ज़, ज़, ज़राफा, 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 ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफा, 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 ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफा, 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 ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफा यहाँ पे मौजूद है, ज़राफा, 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 ज़राफा की शुरू की आवाज़, ज़राफ़ा जी। हमने क्या किया? पढ़ लिया सफ़े को। अब हमने क्या करना था जी? हमारे पास दूसरा आइकन मौजूद है। दूसरा आइकन क्या था जी? पेंसिल फेरी है। तो हमने क्या करना है? पेंसिल निकालनी है अपनी, पेंसिल को शॉर्प करना है, और शॉर्प करने के बाद पेंसिल को हमने यहाँ ज़ पे मौजूद बड़े से नुक्ते पे रखना है, और फिर आहिस्ता 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 नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि हमारे पास ज जो है वो आसानी से बन गया, है ना भाई? जब हम ज को बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जी? ज की नज़म पढ़ेंगे। और ज की नज़म क्या थी जल्दी से बताइए मुझे। हाँ याद है, मैं बताऊँ? चलिए जी, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे ना? हाँ मेरे साथ पढ़िएगा। जू में जेब्रा दिखाए जबान, एक नुक्ता है ज़ की शान। जू में जेब्रा दिखाए जबान, एक नुक्ता है ज़ की शान। अब आपने ये नज़म जो है पढ़ते जानी है जी। ये नज़म आप बार बार हर ज़ को
जब आप पेंसिल फेरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल फेरिएगा, चाहे आप पेंसिल फेरें, चाहे आप कलर पेंसिल फेरें, जो आपका दिल चाहे, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है ना, आप उस पर रंग भरते जाइए, आप उस पर पेंसिल फेरते जाइए, रंग के जरिए भरे या पेंसिल के जरिए, और लेकिन साथ साथ बस आपने नज़म पढ़नी है, नज़म नहीं भूलनी है, नज़म पढ़ते जानी है, ठीक है जी। फिर आप इस पे इन सब पे जो है आप आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल फेरिएगा, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी आसानी से ज़ बनाने आ गए। जब आप इन चारों पे पेंसिल फेर देंगे तो फिर क्या करेंगे जी, उसके बाद मानो बिल्ली का कहना मानेंगे, फिर आप निकालेंगे कलर पेंसिल्स, कलर पेंसिल को अच्छे से शॉर्प करेंगे, और फिर आप इन जर्राफा साहब पे आहिस्ता 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 कलर करेंगे, रंग भरेंगे जी, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस पर रंग भरेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जर्राफे से रंग बाहर ना जाए, क्योंकि जब जर्राफे से कलर बाहर जाएगा, रंग बाहर जाएगा, तो जर्राफा सब नाराज़ हो जाएंगे कि मुझे गंदा कर दिया, मैं ख़राब लग रहा हूँ, है ना भाई। तो आप क्या करेंगे, अच्छे अच्छे रंग भरेंगे ताकि जर्राफा से रंग जो है वो बाहर नहीं जाए, है ना भाई। और फिर क्या करना है आपको, जब आपको पूरा पेज तैयार हो जाएगा, आपने काम भी कर लिया, आपने पढ़ भी लिया, आपने पेंसिल भी फेर ली और आपने रंग भी भर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आज हमने क्या पढ़ा था, है ना भाई। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर क्या होगा जी, जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने ज़ को लिखने की मशक करी थी, उसे बार बार लिखा था, हमने रंग भरा था और हमने नज़म भी याद की थी, आप उनको नज़म भी सुनाइएगा, ठीक है जी, और अपने इस काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।